उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और झारखंड को तबाह करने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने जो डिस्ट्रिक्ट फंड बनाए हैं उसका झारखंड में कहीं भी उपयोग नहीं नजर आ रहा है। सत्ताधारी दल के लोग झारखंड में खुलकर लूट खसोट कर रहे हैं और जनता बेहद परेशान है। ऐसे में बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा जनता के समर्थन से सत्ता परिवर्तन करेगी। जब बीजेपी की सरकार आई काम हुए, लेकिन पिछले 5 साल में और कांग्रेस जेएमएम ने जैसी सरकार चलाई है, पूरा झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया इसलिए कि उस पैसे से यहाँ ढंग से विकास किया जाए, उसका भी उपयोग कहीं दिखाई नहीं देता। जनता त्रस्त है, लैंड ऑर्डर कहीं है नहीं, कानून और व्यवस्था की स्थिति कहीं बची नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ताधारी दल के लोग, गठबंधन के लोग खुल के लूट रहे झारखंड को और जनता बुरी तरह से परेशान है। तो झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए और लोहरदगा कांग्रेस कमेटी में तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर उरांव ने सुखदेव भगत पर कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि भगत ने उन्हें संविधान की समझ का अभाव बताते हुए पलटवार कर दिया है। पहले तो वो संविधान पढ़ लें, संविधान के प्रोसेस को पढ़ लें। मंत्री बनना अलग बात है, संविधान के बारे में ज्ञान रखना अलग बात है, और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो संवेदनशील हैं, वो सक्षम हैं, वो निर्णय जानते हैं कि हमें क्या निर्णय करना है। वो क्या लोहरदगा के जनता को, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ना समझते हैं क्या? और जेएसएससी सीजल की परीक्षा में मिल रही शिकायतों पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन को जेएसएससी को पत्र लेकर शिकायतों की जांच कराने की मांग की। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की। आपको बता दें कि 21 और 22 सितंबर को पूरे तामझाम के साथ बहुप्रतीक्षित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई थी और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए इंटरनेट सेवा तक को बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके ये परीक्षा विवादों से घिर गई है। परीक्षा के दौरान पेपर के सील टूटे हुए मिले, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क पर उतरकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने भी जेएसएससी के अध्यक्ष से मुलाकात की और गड़बड़ी की जांच कराने की मांग कर दी है। और सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की आंसर की जारी कर दी। इसको लेकर अभ्यर्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आंसर की पर आपत्ति के लिए सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और आपत्ति के साथ संदर्भ भी देना अनिवार्य होगा। संदर्भ के रूप में मानक किताब के संबंधित पन्ने ही स्वीकार किए जाएंगे। आपको बता दें कि 21 और 22 सितंबर को 3 पाली में ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 6 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम ने कह दिया है कि राज्य सरकार को बदनाम करने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की ये विरोधियों की साजिश है और अगर परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिलते हैं, सरकार और आयोग गंभीरतापूर्वक निर्णय लेगी। जिस पर बीजेपी ने जेएमएम पर पलटवार कर दिया है। विधायक सीपी सिंह ने कह दिया है कि राज्यपाल यूं ही किसी को पत्र नहीं लिखते और हर मुद्दे पर सत्ताधारी दल को बीजेपी का नाम लेने से बचना चाहिए। पारदर्शी तरीके से आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आयोग ने यह बताया कि अगर कहीं से भी परीक्षा लीक की खबरें आएंगी और पुख्ता प्रमाण मिलेगा तो आयोग इस पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेगा। सरकार का भी निर्देश यही है, अगर ये प्रमाणित होता है, थोड़ी भी आशंका होती है, तो छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सरकार के संकल्पित है। मैं राज्यपाल यूं ही चिट्ठी नहीं लिखा करते हैं, जब किसी का बहुत बड़ा महत्व होता है, कोई कारण होता है, तभी लिखते हैं। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार को जांच कराने में कठिनाई क्या है? ये जेएमएम का कहना है कि भाई भाजपा का बार बार इसमें नाम लेना, ये कहीं से उचित नहीं है।
और गोड्डा में पिछले 2 से 3 दिन की बारिश में शहर के कई इलाकों की स्थिति नारकीय हो गई है। राजकुमार नगर में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आलम यह है कि लोगों ने जैसे तैसे घरों का सामान बचा लिया है ताकि पानी में खराब ना हो सके। पीड़ित लोगों का आरोप है कि पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से पूरे इलाके का पानी यहीं पर आ जाता है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। बारिश उसके बाद शहर की स्थिति ये होती है कि कई मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं। हम अभी खड़े हैं राजकुमार नगर में, जो भतड़िया पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन ये शहर का इलाका है। और शहर में सबसे पहले आप इस घर की स्थिति देखिए कि इस घर में पानी से जो है वो घर लबालब हो चुका है। घुटने भर पानी इस घर में भर चुका है। चारों तरफ यही स्थिति है और इस घर की स्थिति भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस घर में जिस प्रकार से जलमग्न होकर ये घर डूबा है, इस घर में रहने वाले लोगों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। घुटने पर इस घर में पानी है और इस घर के जो लोग हैं वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ जी। मैं राजकुमार नगर भड्डिया पंचायत में विद्युत कार्यालय से सटे मोहल्ले में पिछले 30-35 साल से लगातार रह रहा हूँ। स्थिति इतनी भयावह है कि 3 दिन से लगातार जो आसमानी आफत हुआ सबको पता ही है, उसके बाद जो पानी आया अचानक से, तो पानी की स्थिति इतनी भयावह हो गई कि चारों तरफ से इस एरिया में जो हमारा ये है, चारों तरफ से पानी अचानक से आना शुरू हुआ। और आप देख सकते हैं सर कि सारे घर में ये पानी, मेरे पूरे घर में ये पूरा का पूरा पानी जो है भर गया है। सारा सामान आप देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ किसी मतलब विकट परिस्थिति में हमने सिर्फ बचाया है सामान को। घरों में घुटने पर पानी और स्थिति जो है वो दयनीय है। मोटर के सहारे पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है और ये जो जल जमाव की स्थिति है वो शहर में पूरे इस पूरे ज़िले में ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण है। और लगातार जब भी बारिश होती है तो अमूमन शहर के कई मोहल्ले का यही हाल होता है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। और साहिबगंज में भी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। शहर का मेन रोड तालाब में तब्दील हो गया। बारिश का पानी बड़े बड़े दुकानों में घुस चुका है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के लोगों की जीवन कितनी कठिनाई से भरी हुई है। सड़क, दुकान, घर, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। हम लोग खुद फैमिली लेकर ऊपर में रह रहे हैं। ये कैसे आखिर कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व किया जाए, हम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाया जाए। और गुमला में लगातार हो रही बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है, जिससे कई गलियां और मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। पटेल चौक पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। ये रोड लोहरदगा, छत्तीसगढ़, रांची, सिमडेगा के लिए मुख्य मार्ग है, लेकिन नगर परिषद और NH विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। गड्ढे के कारण बाइक सवार आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।